नाउ क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट एस्टिमेशन ऑफ डिस्काउंटिंग रेट. राइट इट डाउन. सो द डिस्काउंट रेट ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट ऑफ रिटर्न, इसको मैं लिख देता हूँ जो जो नाम है इसका, इसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं या रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं या हम इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं. है ना, ये एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है. कभी भी हम जब भी क्या करते हैं, जब भी हम करते हैं फाइनेंशियल वैल्यूएशन, जब भी आप करते हैं फाइनेंशियल वैल्यूएशन, तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक टर्म आ जाता है. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द रेट एट विच फ्यूचर कैश फ्लो आर डिस्काउंटेड टू देयर प्रेजेंट वैल्यू. यानी जो भी फ्यूचर के हमारे कैश फ्लोज हैं उसको अगर हम कन्वर्ट करें प्रेजेंट वैल्यू में, तो ये जो कन्वर्ट होगा ये किस रेट पर होगा, तो इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग रेट. इसको क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग रेट. या फिर हम इसको जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर. है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आज इसी की थ्योरी हम देखा. लास्ट क्लास में हमने इसका एक थोड़ा प्रैक्टिकल देखा था. लेकिन लास्ट क्लास में क्या होता था, मैं आपको दे देता था कि डिस्काउंट रेट इज गिवन 10%, डिस्काउंट रेट इज रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन 5%. सो आज की क्लास में हमें उसको वो दिया हुआ नहीं है, बल्कि उसके एस्टिमेशन को समझना है कि उसको एस्टिमेट कैसे करूंगा. ठीक है ना, एस्टिमेटिंग द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर. क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसपे वो डिपेंड करता है? फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिस्काउंटिंग रेट. अब उसको देखिए क्या क्या फैक्टर है भैया जिससे डिस्काउंटिंग रेट चेंज होता है ना, क्या क्या फैक्टर है भाई? आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बैंक. आप इवन ये भी देखेंगे, मतलब मैं पहले एज ए रिटेल कंज्यूमर बताऊं, मैं बाइक खरीदने जाता हूँ, मकान खरीदने जाता हूँ, एजुकेशन के लिए पैसे लेता हूँ, पर्सनल के लिए पैसे लेता हूँ, या कोई गैजेट खरीदने के लिए पैसे लेता हूँ, तो आप देखेंगे सभी में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक मेरे से चार्ज करती है. तो जिस तरह का मेरा एक्सपेंडिचर है या जरूरत है उसके हिसाब से बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है. तो बिजनेस वर्ल्ड में भी आपका इन्वेस्टमेंट किस तरह का है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या डिस्काउंट रेट जो भी आप कहिए उसके लिए. ठीक है, रिस्क, आप रिस्क किस तरह का ले रहे हैं, इसलिए उस प्रोजेक्ट का रिस्क प्रोफाइल कैसा है, इससे तय होगा कि आपकी डिस्काउंटिंग रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगी. मार्केट कंडीशन, तो इसको मैं इकोनॉमिक कंडीशन कह रहा हूँ, इकोनॉमिक कंडीशन. ये मार्केट कंडीशन के नाम से भी आपको कई बार थ्योरी में देखने को मिलता है ना, मार्केट कंडीशन. जिस काम के लिए आप पैसा उधार ले रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं उसको मार्केट कितना सपोर्ट करता है, या मार्केट की कंडीशन, या प्रीवेलिंग मार्केट कंडीशन, सही वर्ड होगा प्रीवेलिंग मार्केट कंडीशन. ओके, तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करता है. ठीक है, अब इसको फाइनेंस में कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेशन के क्या क्या तरीके हैं. सो कॉस्ट टू इक्विटी, या अभी जो हमने पढ़ा वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी हमने पढ़ा है ना, तो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी में हमको क्या चाहिए, डिस्काउंटिंग रेट चाहिए, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, है ना. तो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी जो हमने पढ़ा उसमें जो ये कॉस्ट वाला पोर्शन है ये और कुछ नहीं, ये डिस्काउंटिंग रेट. तो एक तो तरीका हमारा CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. तो क्या है ये, ये आगे आने वाली क्लासेस में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. अभी के लिए हम ये देखते हैं ये ERI क्या है, एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ स्टॉक, यही तो निकालना है अपने को, एक्सपेक्टेड रिटर्न यही निकालना था ना अपने को. डिस्काउंटिंग रेट ऊपर देखेंगे, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न यही निकालना है। तो यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, इसी को निकाल रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक या ऑफ द इक्विटी कर दीजिए, ऑफ द इक्विटी, इसी को हम स्टॉक कहेंगे। ठीक है, ये है आपका क्या ईआरआई। ओके, नेक्स्ट क्या है आरएफ। आरएफ क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न या रिस्क फ्री रेट, है ना, रिस्क फ्री रेट। जैसे कि मैं मुझे इन्वेस्टमेंट, आप बोल रहे इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको 5% रिटर्न मिलेगा सालाना, तो मैं बोलूंगा फिर मैं रिस्क लेके क्यों इन्वेस्ट करूं, बैंक में रख देता हूं, एफडी दे देगा मेरे को। तो रिस्क फ्री रेट इज दैट रेट फॉर विच यू डज नॉट नीड टू टेक एडिशनल रिस्क, है ना, वो है रिस्क फ्री रेट। फिर इसमें बीटा या जिसको बीआई लिख रहा हूं मैं, बीटा क्या है, बीटा है सिस्टमैटिक रिस्क। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क, अभी के लिए आप समझिए बीटा है रिस्क। बीटा को क्या समझिए आप, बस रिस्क, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, बीटा हो गया हमारा। उसके बाद एक्सपेक्टेड आरएम, आरएम क्या है, आरएम है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट। यहां पर एग्जांपल अगर लूं तो आप मान लीजिए अडानी के स्टॉक से रिटर्न एस्टिमेट करना चाहते हैं कि अडानी निफ्टी अगले एक साल में क्या रिटर्न देगा, इसकी एस्टिमेशन अगर आप कर लेंगे, देन द एस्टिमेटेड निफ्टी का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न मल्टीप्लाई बाय द सिस्टमेटिक रिस्क और द मार्केट रिस्क, है ना, प्लस रिस्क फ्री रिटर्न विल बी द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द अडानी, तो अडानी शेयर्स। ओके, सो दिस मार्केट रिस्क इज दैट निफ्टी जो मैंने कहा या सेंसेक्स मैंने कहा, या फिर अगर आप इसका इस्तेमाल शेयर मार्केट को छोड़कर अगर एज ए फाइनेंस मैनेजर, आप जैसे जेएसपीएल में फाइनेंस मैनेजर है, वहां सीएपीएम का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स का हम वैल्यू नहीं ले सकते, ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, यानी पूरी इंडस्ट्री। हम कहते हैं ना कि स्टील इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 20% इन नेक्स्ट टू ईयर, हाउ वी आर गेटिंग दिस नंबर, गेटिंग दिस नंबर फ्रॉम द एक्सपर्ट, अबाउट व्हाट, अबाउट only for steel industry, so that expected return from the market is about the steel industry, not about JSPL, about the steel industry overall in the world, so that will be the this value. Okay, so this is CAPM for you. यहां तक CAPM हो गया। चलिए, ये तो एक तरीका हुआ कि हम कैसे discount rate को निकाल सकते हैं, और भी क्या कोई तरीके हैं? हाँ भाई, तरीका तो है, क्या तरीका है आइए देखते हैं। अगला तरीका है जिससे अभी एग्जाम के लिए भी हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और वो तरीका है, उसको मैं इधर क्लोज करता हूं और अब रेड पेन से करता हूं सो दैट ये डिफरेंस आपको दिखेगा। अगला तरीका है WACC, क्या कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। So weighted average cost of capital is used for valuing a company as a whole, taking into account both debt and equity. क्या क्या लेते हैं, debt को भी ध्यान रखते हैं, equity को भी ध्यान रखते हैं। इस particular case में हमने actually return from equity ही देखा है, है ना, या हमने यहाँ पे भी जो चीजें ली है return from equity को ही लिया है, हालांकि this signifies the debt, बट डेट कितना है उससे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ उसके फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे। यहाँ पे डेट और इक्विटी हम दोनों देखते हैं। नाउ सी दिस, इट्स कैलकुलेटेड बाय वेटिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट बेस्ड ऑन द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या क्या बोला मैं लिख देता हूं उसको, कैलकुलेट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू वेटिंग द cost of equity after tax debt, debt के बाद का tax, है ना, तो किसी company के financial structure में या capital structure में, किसी company के capital structure में दो चीजें है, equity है और debt है, तो यहां पे weighting the cost of equity, तो
टोटल कॉस्ट में से इक्विटी का एक सर्टेन पोर्शन है, मान लीजिए 60% इक्विटी या 40% डेट, तो यहाँ वेजिंग जो हमने किया कॉस्ट ऑफ इक्विटी 60% करेंगे, और आफ्टर टैक्स डेट, टैक्स देने के बाद जो आपके पास डेट है वो आपका 40% ऑफ द टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से हम कैपिटल स्ट्रक्चर को पहले डिवाइड कर लेंगे कि हाँ इसमें से कॉस्ट ऑफ इक्विटी या हमारा टोटल इक्विटी क्या है, टोटल डेट क्या है, और इसके बाद हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, वो मैं अभी करके बताऊंगा। सो WACC रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर हु प्रोवाइड बोथ डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग टू द कंपनी। सो राइट डाउन दिस अंडरलाइन स्टेटमेंट। सो RRR का क्या है सर? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल का मान लीजिए एक कंपनी है, एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी है, उसकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दी हुई है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दी हुई है मान लीजिए 20 मिलियन रुपीज, ठीक है 20 मिलियन रुपीज है ना, और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है इसके पास 10 मिलियन रुपीज, कितना है 10 मिलियन रुपीज। तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी होगी कंपनी की, टोटल मार्केट वैल्यू, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ना फुल में लिखिएगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ कंपनी इज हाउ मच, 30 मिलियन रुपीज, 30 मिलियन रुपीज। ओके मान लीजिए इसमें कोई, अब आपको क्या क्या जानकारी दी हुई है, कॉस्ट टू इक्विटी दी हुई है आपको, कॉस्ट टू इक्विटी दी हुई है आपको, कॉस्ट टू इक्विटी दी हुई है आपको 12%, कॉस्ट टू डेट दिया हुआ है आपको 6%, और आपका कोई कॉर्पोरेट टैक्स है तो कॉर्पोरेट टैक्स 30% है, ये जानकारी दी हुई है आपको, ठीक है। अब इससे हमको निकालना है WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो व्हाट इज दिस, दिस इज सिंपल, E अपॉन V मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट टू इक्विटी, है ना, तो इसको मैं कॉस्ट टू इक्विटी लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस डेट बाय वैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय डेट का आपका रेट ऑफ रिटर्न, इसको मैं आर डी लिख देता हूँ, इसको आर ई लिख देता हूँ, है ना, इसको आर ई लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये है अपना आरई, ये अपना आरडी, और ये अपना से कॉर्पोरेट टैक्स, तो टी या टीसी कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो इक्विटी अपॉन वैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय आरई प्लस डेट अपॉन वैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय आरडी, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स, ये इसका एक फॉर्मूला। नाउ सी दिस, अगर अभी हम सभी वैल्यूज को रखें यहाँ पे, तो अभी मिलियन में है ना, तो अभी ना मैं मिलियन, मिलियन के लिए जीरो उतना नहीं लगाता हूँ, मिलियन को अभी मैं 2020 लिखता हूँ, क्योंकि मिलियन के बाद 6 जीरो इसका जो आएगा उसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें, क्योंकि ऊपर भी मिलियन आएगा नीचे ही मिलियन आएगा, मिलियन मिलियन कट जाएगा, है ना। ओके सो इक्विटी कितना है 20 मिलियन, टोटल वैल्यू में से कितना 30 मल्टीप्लाई बाय परसेंट 12%, तो 12%, तो 12% ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया, प्लस कॉस्ट टू डेट, कॉस्ट टू डेट क्या हो गया आपका 10/30 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स, टैक्स है 30%। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, वॉट इज दिस, 20/30 हो गया 0.67 मल्टीप्लाई बाय 0.12 प्लस ये हो गया 0.33 मल्टीप्लाई बाय 0.06 मल्टीप्लाई बाय ये हो गया 0.3 और एक में से 0.3 गया तो 0.7। ओके सो वॉट इज दिस, अगर आप इसको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा वैल्यू,
करके देखिए, बताइए करके। 1.0938। अच्छा पूरा कर दिया क्या? जी सर पूरा कंप्लीट। अरे नहीं, एक एक करके करना चाहिए ना अपने को, स्टेप कभी नहीं छोड़ना चाहिए एग्जाम में, स्टेप मार्किंग होता है। चलिए ठीक है, आप एग्जाम में स्टेप मार्किंग कीजिएगा, ये पहले कर लीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ऐसे निकालिए, ठीक है। सो इफ यू कन्वर्ट इट इनटू अ परसेंटेज, इफ यू कन्वर्ट इट इनटू अ परसेंटेज, इट विल समथिंग 9.3%। ओके, इट विल समथिंग 9. सो दिस इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज व्हाट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है क्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी को डेट और इक्विटी मिलाकर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रहा है वो आमतौर पे 9.38% लग रहा है, जबकि डेट में उसको 6% है, इक्विटी में 12% है, लेकिन उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से जो उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो 9.38%। इफ दिस इज ओके टू ऑल, लेट मी नो।